हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एसके टेक में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि एक KGF मूवी जैसा इंट्रो आप अपना चैनल के या आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप KGF मूवी का फाइट इफेक्ट में लिख सकते हो, और ये बहुत ही ईजी है लिखने के लिए। तो इस तरीके से नाम लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा टेक्स्ट का, जिस फाइट टेक्स्ट है जो आपको A to Z तक हर एक लेटर आपको मिल जाएगा, 26 लेटर ही आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको इस वीडियो में जितना भी रिक्वायरमेंट आपको A to Z मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपना काइन मास्टर प्रोग्राम, और काइन मास्टर प्रोग्राम आपके पास नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको चला जाना है क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपको चला जाना है 16:9 में। 16:9 में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपको चला जाना है ऊपर मीडिया में, और मीडिया में क्लिक करने के बाद आपको इसमें सेलेक्ट करना है एक बैकग्राउंड। आप यहाँ से काइन मास्टर में भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है फोटो का, आप यहाँ से भी बैकग्राउंड कुछ यूज़ कर सकते हैं मीडिया में, लेकिन मैं जो वीडियो में यूज़ किया मैं वो बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी जो आपको जो अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करके आपको जो थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देना है, और साइज़ बढ़ाने के बाद आपको क्लिक करना है इस पर लेयर पे, आपको लेयर मिल जाएगा। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ पे आप हाइड जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हूँ हाइड टेक्स्ट पे जाना है, उस पर क्लिक करके आपको आप जिस आपको जो चैनल है उसका नाम आप बना सकते हो। तो मैं आपको KGF बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको A to Z मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैं जैसे KGF का वो ले रहा हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा के कहाँ पे। तो यहाँ पे के में के सेलेक्ट कर लेता हूँ। के सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सेलेक्ट कर रखना है, और यहाँ पे जब फायर आता है वहाँ आने के बाद आपको चला जाना है ब्लेंडिंग में। अब स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपको यहाँ पे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। ब्लेंडिंग में क्लिक करने के बाद आपको चला जाना है इस पर स्क्रीन वाला सेटिंग में, स्क्रीन क्लिक कर देना है। उसके क्या होगा, आप पिछाड़ी का उसका जो ब्लैक है वो हट जाएगा। इस पर सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको के पे सेलेक्ट करना है, और इसे थोड़ा सा साइड में कर देना है, क्योंकि हमें बाकी भी लेटर यहाँ पे ऐड करना है, इसलिए आपको साइड कर देना है। और साइड करने के बाद आपको फिर इसी तरह के आपको फिर से लेयर में जाना है, और लेयर में क्लिक करने के बाद आपको फिर से मीडिया में क्लिक करना है, आपको जी सेलेक्ट करना है। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे जी सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करना ही होगा, और फिर से आपको जाना होगा ब्लेंडिंग के ऑप्शन में। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको भी आपको स्क्रीन कर देना है। सब में यही सेटिंग है, तो मैं चलो फटाफट सब सिलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप सारे लेटर मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ, और कैसा KGF मूवी जैसा इंट्रो आ रहा है। इसी तरह से आप अपना चैनल को बनाओ, वो अपना बहुत अच्छा ऑसम लगेगा देखने के लिए, तो आप इसे कर सकते हो। और इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको के पे सेलेक्ट करना है, और एक सेटिंग और कर लेना है इसमें। तो वहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है, उसमें जाना है आपको एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कॉन्ट्रैक्ट, आपको इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। इसको इंक्रीज करने के आप डिफरेंस आप देख पाओगे कितना अच्छा हमारा फायर वो कलर ग्रेडिंग हो रहा है। आपको इस पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ आपको जितना अच्छा लगे उस आपको क्लिक कर लेना। और इसी तरीके से आपको जी पे भी उसी एडजस्टमेंट में जाने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बढ़ा देना है, और इस तरह के एफ सारी लेटर में बढ़ा देना है, और एफ में जाने के बाद भी एफ को भी थोड़ा ऐसा ही बढ़ा देना है। इसी तरह के आपको एफ को भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देना है, और बढ़ाने के बाद आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार लेयर में जाना है, और लेयर में क्लिक करने के बाद आपको मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद आपको चला जाना है डिस्क्रिप्शन, आपको मैं लिंक दिया होगा, एक पॉइंट होगा, आपको वहाँ से वो पॉइंट क्लिक करना है। और पॉइंट क्लिक करने के बाद जैसे आपने KGF का वो ब्लेंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन किया, उसका वो ब्लेंडिंग में जाना है, और स्क्रीन पर सेलेक्ट कर लेना है। और स्क्रीन पर सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रिप्ट पॉइंट में इस पॉइंट वाला मीडिया पर क्लिक करना है, और पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आपको उस पॉइंट को आपको वो अच्छा से आपको के और जी के बीच में अच्छा से एडजस्ट कर देना है, और इसी पॉइंट को फिर से डुप्लीकेट करके आपको जी और एफ के बीच में भी रख देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सेटिंग अच्छा से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो एडिट करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप डायरेक्ट मैसेज करना, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।